Children, I am your teacher Sandhya ma'am, and I welcome you all once again to MPK Girls School online classes. Children, in our previous class I had explained you the first part of your lesson 1 in English language and literature. The name of the lesson was The Little Red Hen. बच्चों, आज लिली मुर्गी की कहानी को आगे बताने से पहले मैं आपको एक बार और शुरू से ये कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक लाल मुर्गी जिसका नाम लिली था, अपने 3 दोस्तों के साथ खेत में एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके 3 दोस्त थे, एक थी बिल्ली जिसका नाम मिमी था, एक था बतख जिसका नाम क्वैक था, और एक चूहा जिसका नाम था निबल्स। एक दिन लिली मुर्गी अपने बगीचे में घूम रही थी, तब उसकी नज़र गेहूं की एक दाने पर पड़ी। लिली मुर्गी उसे उठाकर देखने लगी, तब उसे एक विचार आया। लिली मुर्गी उस दाने को लेकर भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है और उनको दाने के मिलने के बारे में और साथ ही अपने विचार को भी उनको बताती है। वो कहती है कि मैं इस दाने को बोना चाहती हूँ और इस काम के लिए कौन मेरी मदद करेगा। यहाँ तक मैंने उस पिछले वीडियो में आपको बताया था कहानी, अब आगे की कहानी अपन अब आगे सुनते हैं। What do her friends say? Sorry, Lily, we are busy, we cannot help you. लिली के प्रश्न का उत्तर देते हुए उसके दोस्त कहते हैं, सॉरी लिली, हम बहुत व्यस्त हैं अपने काम में और हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। सो लिली प्लांट्स द सीड ऑल बाय हरसेल्फ। द सीड सून ग्रोस येलो एंड राइप। इट इज़ नाउ टाइम टू कट द प्लांट। लिली गोज टू हर फ्रेंड्स अगेन, हु विल हेल्प मी कट द वीट। इसके बाद लिली खुद से बीज को बो देती है। कुछ दिनों में बीज गेहूं का पौधा बन गया और उसमें पीले पीले गेहूं के दाने लग गए। यह देखकर लिली ने सोचा कि गेहूं पक चुके हैं, अब इसे काटना चाहिए। फिर से लिली अपने दोस्तों के पास जाती है और पूछती है, गेहूं काटने में मेरी मदद कौन करेगा। वी आर बिजी, प्लीज डू योर ओन वर्क। लिली कट्स अ प्लांट विथ हर बीक, देन शी गोज टू द मिल टू ग्राइंड द वीट। नाउ शी हैज अ बैग ऑफ फाइन वीट फ्लोर। शी टेक्स द फ्लोर होम एंड बेक्स अ लोफ ऑफ डिलीशियस ब्रेड। द वंडरफुल स्मेल ऑफ फ्रेश ब्रेड ड्रॉज हर फ्रेंड्स इन। This smells so good. Cut us a piece each, will you, Lily? जब ब्रेड बनती है तो उसकी खुशबू उसके दोस्तों के पास पहुंचती है। तब तीनों दोस्त लिली से थोड़े से ब्रेड के टुकड़े देने को कहते हैं। Did you help me sow the seed, cut the wheat or bake the bread? Is it right that you ask me for the bread now? तब लिली मुर्गी उनसे पूछती है कि आप लोगों ने दाने को उगाने में, गेहूं को काटने में और पिसाने में मेरी मदद की थी क्या? जब नहीं किया तो क्या अब यह सही है कि आप उसे खाना चाहते हो? वी शुड हैव हेल्प्ड यू। लिलीज फ्रेंड्स आर अशेम, वी आर सॉरी। Lily is kind, she invites everyone for dinner. Thank you, Lily. Lily के दोस्तों को अपने किए पर शर्म आई और उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, हमें माफ कर दो लिली। लिली अच्छी थी, उसने सबके साथ मिलकर ब्रेड को खाया। Okay children, with this we have come to the end of the lesson. I hope you have understood the story. Now coming to today's homework.
Children, here I am giving you some hard words. You children have to go through it, learn the spellings, and also write these spellings 2 times in your notebook and send the picture of that homework to me in my mobile number. So let me first read out these words to you. G-R-O-W-S, gross. R-I-P-E, ripe. P-L-E-A-S-E, please. G-R-I-N-D, grind. B-E-A-K, beak. F-L-O-U-R, floor. D-E-L-I-C-I-O-U-S, delicious. W-O-N-D-E-R, F-U-L, wonderful. P-I-E-C-E, peace. D-I-N-N-E-R, dinner.